एक म्यूजिक क्रिटिक का कहना था, बहुत से लोग हैं जो मोहम्मद रफी, मुकेश या किशोर कुमार जैसा गा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई बेहद मुश्किल से ही मिलेगा जो अपनी आवाज में तलत महमूद जैसी मधुरता और नजाकत पैदा कर सके। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी गायकी, खास तौर से गजल गायकी से एक आला मुकाम पाने वाले तलत महमूद उन चुनिंदा गायकों में से हैं जो रफी, किशोर और मुकेश जैसे लीजेंडरी गायकों के तिकड़ी के साय में पनपने की कोशिश ही करते रहे। ओनी पोनी सफलता हासिल भी हुई उन्हें। ये वो दौर था जब मन्ना डे और तलत महमूद जैसे गायकों को हमेशा साइडलाइन किया गया। इसके बावजूद आज उनके याद करने वालों की और उनके काम का सम्मान करने वालों की अच्छी खासी संख्या है। तलत महमूद की पैदाइश शहरे अदब लखनऊ में हुई 24 फरवरी 1924 को। बेहद कम उम्र से ही उन्हें गाने का चस्का लग गया था। एक रूढ़ीवादी मुस्लिम परिवार में जन्म लेने की वजह से गाना बजाना वगैरह बुरा समझा जाता था, इसलिए घर से कोई प्रोत्साहन मिलने का सवाल ही नहीं था। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब उन्हें फिल्मों में काम और परिवार में से एक चीज चुननी थी। जिद्दी तलत महमूद ने पहली चीज चुनी, जिसकी वजह से अगले 10 सालों तक परिवार उनसे न्यारे न्यारे ही रहा। जब उनका नाम मशहूर होने लगा तब जाके परिवार ने उनको अपना लिया। महज 15 साल की उम्र में उनके सिंगिंग करियर ने रफ्तार पकड़ ली थी। ऑल इंडिया रेडियो के लखनऊ स्टेशन पर वो मीर तकी मीर, दाग देहलवी, जिगर मुराद आबादी की गजलें गाया करते थे। बहुत जल्द वो म्यूजिक कंपनी HMV की निगाह में चढ़ गए। उन्होंने तलत को लेकर 1941 में कैर फिल्मी एल्बम रिलीज किया, सब दिन एक समान नहीं। एल्बम जो है इंस्टेंट हिट हुआ। उस रिकॉर्डिंग के लिए तलत को महज 6 रुपये मिले थे। तलत का अगला पड़ाव था कलकत्ता। वहाँ उन्होंने ढेर सारी बंगाली फिल्मों के लिए गाने गाए तपन कुमार के नाम से। अच्छे दिखते भी थे, उसको 3 बंगाली फिल्मों में एक्टिंग भी कर ली। तीनों ही फिल्में चली भी। उसके बाद उन्होंने बॉम्बे का रुख किया। उनका पहला हिट सॉन्ग था तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। ये गजल इतनी मकबूल हुई कि भारत भर में उनका नाम पहचाना जाने लगा। हालांकि मुंबई में सर्वाइवल इतना आसान मसला नहीं था। उनकी आवाज में पाए जाने वाले कंपन की वजह से उन्हें बार बार रिजेक्ट किया जाता रहा। यह अलग बात है कि यही कंपन, यही लर्जिश आगे चलकर उनकी गायकी की USP बनी। उनकी भटकन तब खत्म हुई जब अनिल विश्वास जैसे संगीतकार की नजर उन पर पड़ी। जिस लर्जिश की वजह से वो ठुकराए जा रहे थे, उसी ने अनिल विश्वास को मंत्रमुग्ध कर दिया। उस वक्त अनिल विश्वास दिलीप कुमार की फिल्म आरजू में म्यूजिक देने का काम खत्म कर चुके थे, लेकिन वो तलत महमूद की आवाज से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने डायरेक्टर को एक और गाना ऐड करने के लिए मना लिया। मजरू सुल्तानपुरी से एक गाना लिखवाया गया और उसे तलत से गवाया गया। दिलीप कुमार पर फिल्माया ये गीत लोगों की जुबान पर चढ़ गया। तुरंत बोल थे, ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल। इसके बाद तलत ने अपने करियर में दिलीप कुमार के लिए कई गाने गाए। 1964 में एक फिल्म आई थी जहां आ रहा। इस फिल्म के समय एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई थी। संगीतकार मदन मोहन इसके गाने तलत महमूद से गवाना चाहते थे। प्रोड्यूसर चाहता था कि रफी का इस्तेमाल हो। मदन मोहन जिद पर अड़े थे। जब मामला बनता नहीं नजर आया तो मदन मोहन ने अपने पल्ले से पैसे खर्च किए, लेकिन गाने तलत महमूद से ही गवाए। रफी साहब इस बात से बेहद नाखुश रहे। तलत के गाए इस फिल्म के सभी गाने सुपरहिट रहे, चाहे फिर वही शाम हो, तेरी आंख के आंसू पी जाऊं हो, या मैं तेरी नजर का सुरूर हूं। एक और घटना याद आती है। संगीतकार नौशाद अपने सिंगर्स के रिकॉर्डिंग से पहले सिगरेट पीने के सख्त खिलाफ थे। तलत महमूद को सिगरेट की आदत थी। बाबुल फिल्म के गाने मेरा जीवन साथी की रिकॉर्डिंग के एन पहले तलत महमूद ने नौशाद को चिढ़ाने के मकसद से जानबूझकर उनके सामने सिगरेट पी और धुआं उनके मुंह पर छोड़ा। नौशाद ने फिर कभी उनके साथ काम नहीं किया। गायकी के अलावा तलत महमूद ने करीब 15 फिल्मों में एक्टिंग भी की, वो भी नूतन, माला सिन्हा, सुरैया जैसी बड़ी हीरोइंस के साथ। जब उन्हें लगा कि बात नहीं बन रही तो उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी। बरसों बाद 1985 में एक इंटरव्यू में जब उनसे उनके एक्टिंग करियर के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था, जनाब क्या आप उस गलती को भूल नहीं सकते? हम भी खतावार है, कौन है जिसकी ख्वाहिश नहीं है कि वो भी दिलीप कुमार बने। तलत महमूद गाने में हमेशा अच्छे शब्दों को लेकर आग्रही रहे। सस्ते बोलों से उन्हें बेहद चिढ़ थी। गीतकारों को हमेशा ये आशंका रहती थी कि क्या उनका लिखा गाना तलत की पसंद पर खरा उतरेगा। हिंदी फिल्मों में शामिल गजलों पर जब भी कभी अलग से तबसरा होगा, तलत का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। गजल गायकी में बेहद नाम कमा चुके जगजीत सिंह और पंकज उदास जैसे गायक उन्हें अपना आदर्श मानते आए। यहां तक कि पाकिस्तानी सिंगर सज्जाद अली भी उन्हें गुरु मानते हैं। तलत महमूद के साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी जुड़ा है। वो पहले भारतीय सिंगर है जिनका विदेश में कॉन्सर्ट हुआ। 1956 में ईस्ट अफ्रीका दौरे से शुरू हुआ यह सिलसिला अमेरिका, ब्रिटेन, वेस्ट इंडीज जैसे मुल्कों तक फैला। तलत 1991 तक कॉन्सर्ट में गाते रहे। उन्होंने अपने जीवन काल में 800 के करीब गाने गाए।
जिनमें से कई सारे आज भी उतनी ही तन्मयता से सुने जाते हैं जितना उनके रिलीज के वक्त उनका क्रेज था। कुछ एक गानों का जिक्र कर लेते हैं। पहला गाना है जाए तो जाए कहाँ। फिल्म टैक्सी ड्राइवर का ये गाना तो जैसे उनकी पहचान बनकर रह गया है। सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा ये गीत साहिर लुधियानवी की कलम का करिश्मा था। आज भी ये गीत सादगी में पिरोए गए दर्द का रूहानी झरना सा लगता है। दूसरा गाना है दिले नादा तुझे हुआ क्या है। गालिब की इस गजल को न जाने कितने फनकारों ने अपनी आवाज बख्शी है, लेकिन तलत की आवाज में इसे सुनने का अपना ही मजा है। नेक्स्ट है हमसे आया न गया। 1957 की फिल्म देख कबीरा रोया का ये गीत प्रेम के शिकायती लहजे का बेहतरीन मुजाहिरा है। राजेंद्र कृष्ण के बोल और मदन मोहन का संगीत बेहतरीन शब्दों के साथ तलत पूरा न्याय करते हैं। अगला गाना है जलते हैं जिसके लिए। सुजाता फिल्म का ये गीत सॉफ्ट रोमांटिक गीतों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण गीत है। तलत की गायकी की नजाकत हर्फ हर्फ से उजागर होती है। अगला गाना है इतना न तू मुझसे प्यार बढ़ा। तलत महमूद ने सिर्फ सॉफ्ट रोमांटिक नंबर्स ही नहीं गाए बल्कि कुछ एक हल्के फुल्के गीतों को भी अपनी आवाज दी, जो बेइंतहा पसंद भी किए गए। 1961 में आई फिल्म छाया का ये गीत इसका बेहद उम्दा उदाहरण है। ऐ मेरे दिल कहीं और चल। जिंदगी से दुनिया से निराश होने का लम्हा हर किसी की लाइफ में एक न एक बार जरूर आता है। ऐसे में उसकी दिली ख्वाहिश होती है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग खड़ा हो। इसी ख्वाहिश को जुबा देता ये गीत 1952 की फिल्म दाग से है। निराशा के भंवर में गोते लगाते लोगों का जैसे एंथम है ये गाना। तलत महमूद भारतीय संगीत की दुनिया की ऐसी उपलब्धि है जिस पर हिंदी सिनेमा को हमेशा नाज रहे। किसको मिली बात, किसने उड़ाया धुआं, दिन भर खेलों की दुनिया में क्या क्या हुआ, हर खबर जिस पर आप करते हैं बात, छोटी से छोटी जानकारी लाएंगे हर रात। लेकर आया है ललन टॉप स्पोर्ट्स की खबरों का खास शो स्पोर्ट्स टॉप, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे।